जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, वह उनका जो चरण रौप निर्भर होकर लड़ते हैं। सुप्रभात, मैं क्रमांक 205 आज सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्ची डाल के पान कटारी उसकी यहीं सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथाएं चोर चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मैदानों में। रानी बड़ी काल्पनिक आई कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया सर्ण तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी अब राजधानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो भी रानी मार काट चल दी बनी स्नेह को पार। किंतु सामने घोड़ा आया वह किंतु सामने नाला आया वह था संकट विषय अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भव तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहानी उसे वीरगति पानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृत्य भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, यह मदमानी विजयी गोलों से चाहे मिटा दे झांसी। तेरा समाक्ष तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात लक्ष्मी झांसी की रानी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपना तन मन धन सब कुछ निखार देना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से हमें स्वदेश प्रेम, आत्म बलिदान, वीरता की सीख मिलती है। धन्यवाद।